Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये हमारी इस चैप्टर की पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि क्लासिफिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है सभी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली कैटेगराइज करने के लिए, तो साइंटिस्ट के पास जो नेक्स्ट चैलेंज आया कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो हमने करा, हमने उनको स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स दे दिए, बट कौन सा ऑर्गेनिज्म प्लांट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म एनिमल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म एक माइक्रोब है और क्या इन तीनों के अलावा भी कोई और कैटेगरीज हैं जिनमें हम इन माइक्रोब्स को, इन एनिमल्स को या प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन का पूरा प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया था एरिस्टोटल ने, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, उनकी हेल्प से इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में, और इन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया दो ग्रुप्स में, एनिमल्स विच हैव रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, बट ये बहुत ही ज़्यादा लेमैन सिस्टम है। आप देख सकते हो कि प्लांट्स में हम सिर्फ ट्री, श्रब्स और हर्ब्स तो नहीं होते, या फिर एनिमल्स में क्या हम सिर्फ ब्लड रेड है या नहीं है इसके बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं वो एनिमल है कि नहीं। तो इसके बाद जो सेकेंड क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो दिया था लिनस ने। इसे हम कहते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांटे और एनिमेलिया दो मेजर किंगडम्स बनाए गए। प्लांटे में सभी प्लांट्स को इंक्लूड किया गया और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स को। तो ये जो हमारा सिस्टम था इसमें भी सिर्फ प्लांट और एनिमल की बात हुई। जो हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे लोअर प्लांट्स हैं या फिर हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किसी भी सिस्टम में क्लासिफाई नहीं किया गया। अब इससे एक और बात आई कि हमें इन दोनों सिस्टम से पता तो नहीं चल रहा कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स कौन है, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे, क्योंकि यूनिसेलुलर एनिमल भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, नॉन फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम में। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस अराइज हुए कि क्या सिर्फ टू किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें प्लांटे और एनिमेलिया है, क्या ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम हो सकता है इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल तो बहुत ही सिंपल है कि हमने उन्हें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, बट ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते। तो सिंपली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ हायरार्कियल सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। जैसे कि हमने पीछे देखा क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, तो ये सब टर्म्स के बारे में हमने चैप्टर फर्स्ट में भी डिस्कस किया। तो क्लासिफाई करना मींस ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना हायरार्कियल सीरीज, जैसे मैंने बताया था रैंक्स की तरह, डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में कि जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ग्रुप में होंगे और जो डिससिमिलर है वो दूसरे ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, में काफ़ी डिफरेंट चेंजेस होते गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट बात है कि जो प्लांटे और एनिमल किंगडम था वो हमेशा कांस्टेंट रहा। जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम आए उसमें प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम को तो हर जगह इंक्लूड किया गया। इनके अंदर चेंजेस होते गए और इसके अलावा और भी नए किंगडम अराइज हुए जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, उनका नेचर डिफरेंट था और ये सभी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें पता है कि जो फेमस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो दिया था R.H. विटेकर ने। तो जो फर्स्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, दैट इज प्लांटे, एनिमेलिया, फंगाई,
मोनेरा, प्रोटेस्टा, तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमें मिला था आरएच विटेकर से। तो ये टेबल आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, मैंने एनसीईआरटी से ही ये पिक्चर आपके लिए ली है। अब आप देखो कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को आरएच विटेकर ने किस तरह डिवाइड किया। इन्होंने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल टाइप के हिसाब से कैसा है, क्या वो एक प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किससे बनी है, और प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली इसके पास कुछ और होगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और उसमें हमारे एनिमेलिया आएंगे जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या जो जितने हमारे सेल्स हैं क्या वो मेम्ब्रेन बाउंड है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा है कि कैसे होता है प्लांट्स के केस में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर है या फिर टिश्यू सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक है, सेप्रोट्रॉप है, पैरासाइट है, या किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है। तो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ये फाइव किंगडम अराइज हुए। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक को भी यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे मोनेरा। मोनेरा में आपके सारे बैक्टीरिया आते हैं, ये सभी कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस, है ना। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। नेक्स्ट, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल कैसी है, नॉन सेल्यूलोसिक, और हमें पता है प्लांट के केस में सेल वॉल सेल्यूलोस से बनी है। तो यहाँ पे क्या है, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड है जो मोनेरा की सेल वॉल को बनाते हैं, और मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया कैसे हैं, ऑब्वियसली सिंगल सेलुलर है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें, मतलब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं, केमोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, आपके पास पैरासिटिक हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो डिसीज कॉज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोनेरा के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट ये जो थ्री किंगडम्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और चैप्टर 3 और 4 में हम प्लांटे और एनिमेलिया को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आरएच विटेकर ने जो फाइव किंगडम दिए वो हमारे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया थे, जिनको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पे आरएच विटेकर ने फाइव किंगडम डेवलप किए। तो आपको ये 5 जो आपके कैरेक्टर्स हैं उन्हें मेंशन करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने दी, फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो लिनस ने दिया, फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1866 में, और इन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटेस्टा में। तो यहाँ हमारे पास मोनेरा और फंगाई किंगडम नहीं है। तो ये जो न्यू किंगडम था, किंगडम प्रोटेस्टा, इसमें वो सभी ऑर्गेनिजम्स थे विच लैक द कैपेबिलिटी ऑफ टिश्यू डिफरेंसिएशन, मतलब सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये इसमें इंक्लूड हुए एल्गी, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। लेटर ऑन जो किंगडम प्रोटेस्टा था इसमें सिर्फ यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने इंक्लूड किया मोनेरा को। तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो अब यहाँ पे भी हमारा अभी एक सिस्टम बाकी है, दैट इज फंगाई। तो फंगाई किंगडम अभी भी लैकिंग था, क्योंकि जो फंगस थी उन्हें प्लांटे किंगडम के अंडर ही इंक्लूड किया गया था, क्योंकि इसमें प्लांटे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ली गई थी कि सभी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है उन्हें प्लांटे में इंक्लूड किया गया, तो फंगाई भी प्लांटे में ही था। बिफोर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय आरएच विटेकर। तो आपने देखा किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज होता गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फाइनली हमें मिला हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम था इससे हमारे प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया थे उन्हें एक किंगडम
मिला, और जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें डिफरेंट किंगडम में अरेंज किया गया। इसके अलावा जो यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया गया था। अब जैसे हमारे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा हैं, ये एल्गी हैं, तो इन्हें प्लांटे किंगडम के अंदर एल्गी में प्लेस किया गया। तो हमारा जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें क्या फ्लॉज थे, इसमें क्या है, अब हमारे पास जो फंगस है ऑटोट्रॉपिक भी है, तो यहाँ पे क्या किया, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया, दैट इज प्लांटे। तो यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था, जो हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंगस है और जो ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स हैं हमारे, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था। और इनकी जो सेल वॉल है उनकी कंपोजिशन में भी डिफरेंस है, क्योंकि जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी है। तो इस तरह से हमारा एक न्यू किंगडम अराइज हुआ, दैट इज किंगडम फंगाई। तो इन सभी को, जो हमारे फंगस थे, इन्हें एक सेपरेट किंगडम में प्लेस किया गया, दैट इज किंगडम फंगाई। तो अब आप देख सकते हो कि धीरे धीरे हमें पिक्चर क्लियर हो रही है हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम की। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया, सभी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स को हमने किंगडम प्रोटेस्टा में डाल दिया। अब उन ऑर्गेनिजम्स को भी प्रॉपरली क्लासिफाई किया गया जिन्हें पहले फंगस में या प्लांटे में या प्रोटेस्टा में डाल दिया गया था, क्योंकि अब हमारे पास 5 किंगडम्स आ गए सेपरेट। तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है या मल्टीसेलर है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उन सभी के बेसिस पे वो सभी रीअरेंजमेंट हुआ। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास न्यू ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे हैं, तो हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ इस तरह से इवॉल्व हो रहा है कि हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज को ही ना कंसीडर करें, इसके अलावा हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखें कि इवोल्यूशनरी ये ऑर्गेनिजम्स कैसे कनेक्टेड हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम किंगडम को बिलोंग करते हैं तो वो कैसे हैं, या कोई ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट किंगडम में को बिलोंग करते हैं तो ऐसे कैसे हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म सेपरेट होके दो डिफरेंट किंगडम्स में आ गए। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो कि अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो अब क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन देयर एंसेस्ट्री, कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से अराइज हुआ, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि हमारे लिए इजी हो विद टाइम ये स्टडी करने के लिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो भी डिटेल है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर हो, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव फीचर हो, वो सभी फीचर्स के बेसिस पे कैसे हमने ऑर्गेनिज्म को इन 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। इस तरह से, मतलब अगर हम कहें कि सिंपल क्लासिफाई करना, हमारे डिफरेंट स्कूल असाइनमेंट्स को, हम हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स को डिफरेंटली क्लासिफाई करते हैं, तो इसी तरह हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट अलाउ साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई ग्रुप एंड प्रॉपरली नेम ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन सिर्फ हमारे को पढ़ाई करने के लिए सिर्फ ईजी नहीं है, इन फ्यूचर जो न्यू ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होंगे तो उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर मैंने एक न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया तो मैं इनके यही क्राइटेरिया देखूंगी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेल टाइप क्या है, सेल वॉल है कि नहीं। तो ये सब चीजों के बेसिस पे अगर मेरे पास एक स्टैंडर्डाइज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा तो इजीली मैं उस ऑर्गेनिज्म को प्लांटे, किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा, एनिमेलिया में पुट कर सकती हूँ। तो जितना भी अभी हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ा उसे पूरा कैटेगराइज किया है इस फ्लो चार्ट में। अब ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट या यूकैरियोट में डिवाइड किया। प्रोकैरियोट्स के अंदर आए हमारे मोनेरा जो कि यूनिसेल्यूलर थे, इसमें आते हैं हमारे सारे बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैं हमारे प्रोटिस्टा, जिनमें हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड्स, इन सब के बारे में। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंडर आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल है और जिनके पास सेल वॉल नहीं है। तो जिनके पास सेल वॉल नहीं है वो है एनिमेलिया किंगडम, जिनके पास सेल वॉल है उनको भी दो डिफरेंट क्राइटेरिया में डिवाइड किया, या जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं दैट इज फंगाई, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं दैट इज प्लांटे।
तो ये आपका पूरा एक कलेक्टिव फ्लो चार्ट हो गया कि किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम को अरेंज किया गया है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।